अच्छा, तहसील के सभागार में स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को मालिकाना हक का प्रमाण पत्र वितरित करते हुए कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि नरदीप चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा देश की जनता के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब इस प्रमाण पत्र से गांव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जमीन सुरक्षित हो जाएगी। साथ ही गाँव में अब काफी हद तक पारिवारिक विवादों पर भी अंकुश लगेगा। तहसीलदार छाता विवेक शील यादव ने बताया कि केंद्र सरकार की पंचायती राज मंत्रालय की ओर से शुरू की गई यह विशेष योजना है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2020 को घोषणा की थी। खतौनी की तर्ज पर अब राजस्व गांव के आबादी भूमि पर बने घरों की घरौनी बनाकर उनके स्वामी को सौंपी जा रही है। संपत्ति के प्रमाण दस्तावेज प्राप्त होने से ग्रामीणों को अब बैंक से लोन आदि लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ग्रामीणों को पहली बार मिलने जा रही इस घरौनी में संपत्ति के स्वामी का जिला, तहसील, ब्लॉक, थाना, ग्राम पंचायत के नाम के साथ ही ग्राम कोड और गांव के नाम का भी उल्लेख होगा, जिसमें सर्वेक्षण वर्ष, संपत्ति की जनसंख्या, घटा संख्या और भूखंड संख्या भी दर्ज होगी। इसके साथ ही प्रत्येक भूखंड का 13 अंकों का यूनिक आईडी संख्या में इसे अंकित किया गया है। अब ऐसे पुराने घर और जमीन जिसका कोई विवरण संबंधित व्यक्ति के पास नहीं है, ऐसे में घरौनी मिलने से उनके पास संपत्ति का मालिकाना हक होगा। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनों को लेकर होने वाले विवाद समाप्त हो सकेंगे। घरौनी मिलने से घर का मालिकाना हक मिलने से साथ ही साथ सरकार की आने वाली तमाम योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा। खत्म होगा बंटवारे का विवाद। अब पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तैयार घरौनियों का विवरण किया जा रहा है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि नरदीप चौधरी, उपजिला अधिकारी छाता कमलेश गोयल, तहसीलदार विवेकशील यादव, नायब तहसीलदार राकेश शर्मा, रजिस्ट्रार कानून गो एवं सभी क्षेत्रों के हल्का लेखपाल मौजूद रहे। तहसील छाता जनपद मथुरा से भगत सिंह चौधरी की रिपोर्ट। देखिए, मोदी और योगी के राज में चाहे गांव की बात हो या किसान की बात हो, आपने देखा है चारों ओर खुशहाली छाई हुई है। अब तो उस पल का जनता इंतजार कर रही है कि कब बटन दबा के योगी जी को दोबारा से यूपी की कमान सौंपी जाए। जिस तरह आज तक प्रत्येक किसान की तहसील के अंदर खतौनी के माध्यम से एक रिकॉर्ड हुआ करता था खेत का, उसी तर्ज पर कोई सोच भी नहीं सकता था कि हिंदुस्तान की आबादी के प्रत्येक आदमी का, प्रत्येक आवासीय उसका भूखंड का रिकॉर्ड तहसील में आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। खतौनी की तर्ज पर ही घरौनी की योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाई। इससे ये लाभ होगा, जब कोई भी किसान लोन लेना चाहेगा, कोई भी बैंक में जाएगा तो तहसील आएगा, फटाफट से अपनी घरौनी निकलवाएगा और उसे प्रत्येक घर का रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है, तहसील में जिन छोटी छोटी बातों को लेके हम जत्न, हमारे किसान, हमारे मध्यम वर्ग के मजदूर साथी, व्यापारी साथी अपनी तमाम घरेलू झगड़ों को जो घरों के हुआ करते थे कि ये मेरा घर है, ये तेरा घर है, इसका रिकॉर्ड नहीं है, अब वो सब सारी चीज़ें खत्म होके आसानी से जब रिकॉर्ड मिल जाएगा तो ये छोटे मोटे घरेलू हमारे झगड़े भी खत्म हो जाएंगे। मैं अपनी तरफ से, उत्तर प्रदेश के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी की तरफ से और समस्त किसान साथियों की तरफ से बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी जी को, योगी जी को, जिन्होंने ऐसी बढ़िया सोच से इस घरौनी वाली योजना को चलाया, जिससे किसान ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होके अपना सुगम जीवन जीने में अपनी आसानी से पार पा सकेंगे। आज तहसील के सभागार में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुभारम्भ किए गए स्वामित्व योजना के अंतर्गत तहसील छाता के स्थित ग्रामीण में घरौनी कार्यों का, जो अभी तक हम लोगों ने 1 साल तक कार्य किया था, उसकी घरौनियों का वितरण किया गया, जिसमें आबादी की ज़मीन पर जो हमारे किसान भाइयों का अभी तक उस पर मकान या स्वामित्व था, उसके घरौनी के माध्यम से उनके स्वामित्व को एक अभिलेख का रूप दिया गया। तहसील में कुल 119 गांवों में यह योजना चलाई गई थी और आज हमारे द्वारा 102 गांवों, ग्राम सभा तहसील के, तहसील में स्थित 102 ग्रामों में घरौनी कार्य का वितरण किया जा रहा है। सभागार में हमने 23 ग्राम के किसानों को बुलाया था, जिसमें से 10,000 घरौनियों का वितरण किया जाना था। इसके साथ साथ हमारे लेखपाल लोग अपने अपने क्षेत्रों में भी जाकर
घरौनियों का कुल वितरण कर रहे हैं। तहसील छाता में अभी तक कुल 33,000 घरौनियों की हमारे कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष जो हमारे 8-10 गांव भी बचे हैं उन्हें भी हम एक हफ्ते में अतिशीघ्र पूर्ण करके सभी किसानों को 100% घरौनियों का वितरण सुनिश्चित करेंगे। सर, कुल टोटल घरौनियों का कितना है? अभी तक हमारे कुल 33,000 घरौनियों का प्रपत्र 10 तैयार हो चुका है, जिसका वितरण आज हमारे द्वारा प्रारंभ किया गया है और इसे 2-3 दिन के अंदर हम इसे संपूर्ण वितरण सुनिश्चित कर देंगे।